आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनसे आप सबको अवगत करवाने के लिए मैं आया हूं। केंद्र के कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए भी केंद्र सरकार ने एक बड़ा निर्णय आज लिया है। उसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए और पेंशनर्स को डियरनेस रिलीफ, इसकी बहाली करने पर निर्णय किया गया है। और इसकी दरें भी जो थी उसमें भी अगर आप कुल मिलाकर देखें तो अब डीए की दर जो पहले 17% थी उसमें 11% की और वृद्धि करके कुल मिलाकर 28% इसको किया गया है। यानी कि डीए की दर 17% से बढ़ाकर 28% हो जाएगी। इसको 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा। और इस प्रस्ताव, ये जो हमने निर्णय किया है, इससे जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उसको लाभ भी मिलेगा। और इसके पीछे कारण कोविड की परिस्थितियां थी, जो पहली जनवरी पिछले साल से इसको जब बंद किया गया था। तो मैं एक बार फिर आपके लिए इसको दोबारा बोल देता हूं, क्योंकि बहुत बड़े वर्ग को यह प्रभावित करती है। लगभग 48,34,000 केंद्रीय कर्मचारियों को और 65,26,000 पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा।